अभी हमारा लेसन है दाल और रॉ। तो ये फॉर्मेट पहले भी हम सीख चुके हुए हैं, लेकिन यह है कि जो नाज़रीन नए हैं, पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए रहनुमाई के लिए कि ये फॉर्मेट हमने बनाया है, पहली लाइन के बाद तीन कत, उसके बाद फिर दो कत, फिर दो कत, टोटल ये चार लाइनें होंगी और सात कत इनमें जो फॉर्मेट की पैमाइश है वो हमने रखी है। अब हमने दाल को बनाना है, तो दाल को बनाने के लिए आपने पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में ऊपर से तकरीबन एक कत आप रखेंगे और ये तकरीबन बिल्कुल सीधा आपने रखना है। अब देखिएगा कि मैं कैसे लेके जाता हूँ, ये आपने इस रुख पे लेके जाना है 45 डिग्री के जाविये पे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं लेके जाना। अब देखिएगा कैसे लेके आऊँगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ और थोड़ा सा फिर ये बाहर की तरफ, इस तरीके से लेके आना है। ये देखें यहाँ पर भी कर्व है, यहाँ पर भी कर्व है। अब यहाँ पे हम बना देते हैं ताज, ये जो ताज है ये होगा एक कत में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दाल का जो अलिफ है वो छोटा है, ठीक है, तो ये एक कत का बनेगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो होगी, ये एक कत तो पहले लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक और ये दो, टोटल ये तीन कत। ये ख़त सुलस में हमारा अगला सबक है सीन। तो सीन को बनाने के लिए भी आपने फॉर्मेट बना लिया सात कत का, तो पहली दो लाइनों के दरमियान में तीन कत, उसके बाद दो कत और उसके बाद फिर दो कत, ये फॉर्मेट बनाना है। तो सीन को आपने दूसरी लाइन से एक कत ऊपर से स्टार्ट करना है। ये देखिएगा यहाँ पे आपने पहला स्ट्रोक दिया और लाइन के नीचे इसको ले आए और ये डेढ़ कत का बनाना है आपने। अब यहाँ से आपने हल्की सी ये कर्व करते हुए, गुलाई करते हुए आपने, ये देखिएगा यहाँ से तिरछी कलम गई है, यहाँ पे तिरछी है लेकिन यहाँ पे आके सीधी हो गई है, ठीक है, यानी कि इसको मैंने यहाँ से इस तरह स्टार्ट किया और ऊपर यूँ ले गया हूँ, ऐसे कर दिए, ठीक है। और इस नोक के सामने मैं सीन का जो दंदानों का ये दूसरा दंदाना इसकी सीध में लेके आया हूँ, और इस क्या जो दोनों दंदानों के दरमियानी फासला है ये एक कत होगा। अब आपने जो पहला स्ट्रोक है इसका आधा, ठीक है, इसका आधा यानी कि इसके दरमियान से आपने इसकी सीध में रखनी है कलम की नोक और नीचे आके फिर आगे जाना है और इसको आपने बनाना है डेढ़ कत का, और ये तकरीबन आधा कत जो है ये गहराई है और इसको हम यलिफ बनाया हमने और एक कत यहाँ पे फासला होगा। अब यहाँ से आपने सीन को बनाया। अब सीन की जो गोलाई है इसमें एक दो तीन चार और ये पांच कत, पांच कत का फासला होगा। और इसकी जो दुम है ये आप लेके आएंगे, ये जिसका इसका जो गोलाई है ना, ये जो नून का पहला स्ट्रोक है, इसकी इस नो के बराबर यानी कि इस लाइन पे लेके आएंगे, इस लाइन से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, नीचे रखना है इसको। कोई बात पूछनी है? इसकी जो गोलाई है स्टार्ट से मतलब सीधी रखनी है या फिर थोड़ा सा कर्व ये वाली नीचे नीचे यहाँ पे, यहाँ से, यहाँ से जहाँ पे कलम छोड़ी है वहीं पे आपने रख के तो लेके जानी हो, थोड़ी सी तिरछी, बिल्कुल ऐसे मोटाई में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे मोटी कलम से नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा तिरछा रखेंगे कलम को और मोटाई, फुल मोटाई जो है ना यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे थोड़ा तिरछा ही आ रहा है, देखा थोड़ा सा पतला है, यहाँ पे पूरे कत से जा रहे हैं ऊपर सीन।